तो यार आने वाले कुछ समय से मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा एप्लीकेशन ला रहा हूँ। तो इस रिलेटेड मैं और एक एप्लीकेशन लाया हूँ जिस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो भी ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेता है। आप यहाँ पर मैं अभी अपना Realme C11 फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है और सब कुछ हम दिखाएंगे इस वीडियो पर। तो चलिए यार वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो हे गाइस, मेरा नाम है सुरेश सोरेन और आप देख रहे हैं टेक शुरू। और हाँ यार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, 10K का सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट करने के लिए या फिर कराने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी आते हैं अपने मेन मुद्दे पर या फिर कह सकते हैं टॉपिक पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इस एप्लीकेशन से कितनी देर तक रिकॉर्ड की। तो जैसे कि देख सकते हैं, अभी मैंने लगभग 8 मिनट तक इस एप्लीकेशन से रिकॉर्ड करा है। तो यहाँ पर आपने प्रूफ देख लिया, अब चलिए हम बताते हैं इस एप्लीकेशन का नेम। तो यहाँ पर हम बताएंगे नहीं, सिंपल सा आपको प्ले स्टोर पर जाके दिखाएंगे कि एप्लीकेशन का नेम क्या है और कौन सा एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको ऊपर जो सर्च आइकन दिखाई दे रहा है वहाँ पर टैप करके एक चीज़ सर्च कर लेनी है, स्क्रीन कास्ट जीरो मैटिक। तो यहाँ पर हमने ये वाला जो नेम है वो सर्च करा और यहाँ पर जैसे कि पहला वाला जो यहाँ पर आएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं इसको ओपन करूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरा पहले से ही डाउनलोड है। तो चलिए अब बात आती है इसकी इंटरफेस। तो यहाँ पर इसकी इंटरफेस की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन जैसे कि मेरे सामने है, इसको मैंने ओपन करा। इस तरीके से ओपन करने के बाद नीचे आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया जाता है और यहाँ पर आपको सेटिंग दिया जाता है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, अवेलेबल स्पेस, क्लियर वीडियो चेज, और यहाँ पर आपको रिकॉर्ड माइक्रोफोन एंड रिकॉर्ड सिस्टम ऑडियो। आप सिस्टम ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप अगर वॉइस ओवर नहीं करना चाहते। और यहाँ पर रिकॉर्ड कैमरा, आप अपने फेस कैम को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपको कुछ टिप्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी वीडियोज़। और यहाँ पर गाइस ये सभी चीज़ें दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट सिंपल सा इसका इंटरफेस है। तो यहाँ पर हमने इंटरफेस की भी बात कर ली, अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। तो बेसिकली यहाँ पर जब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे नीचे आपको रेड आइकन दिखाई देगा, या फिर आप सिर्फ एप्लीकेशन को ओपन करके आप अपने गेम पर आ जाएंगे तो ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा उस वाले एप्लीकेशन का जो कि आपने डाउनलोड करा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। तो यहाँ पर आप जब ऊपर से इसको स्लाइड करेंगे तो नीचे जो यहाँ पर आप अभी जैसे कि देख सकते हैं गेम लोडेड हो रहा है, तो थोड़ा हम इसको लोडिंग करने देते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि रिकॉर्ड कैसे करना है। और ये जो क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से ही आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर रेड आइकन दिखाई देगा, वहाँ पर टैप करके आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि आपका रिकॉर्ड ऊपर से ही हो रहा है। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं टाइमर भी दिखा चुका है, साइड पर भी स्टॉप का बटन है, वहाँ पर जाके आप स्टॉप कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम थोड़ा रिकॉर्ड करके आपको दिखाते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड को ऑफ़ करने के लिए आपको एप्लीकेशन पर या फिर आप अपने जो ऊपर स्टॉप का आइकन दिखाई दे रहा था वहाँ पर टैप कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने एप्लीकेशन पर आ चुके हैं हम, और यहाँ पर हम स्टॉप पर टैप करेंगे जहाँ पर हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें हैं और यहाँ पर आपको जैसे कि वीडियो दिखाई दे रहा है तो इसको आप सेव कर सकते हैं अपने गैलरी पर, अपने फाइल्स पर। तो अभी ये एप्लीकेशन पर है तो यहाँ पर आप इसको सेव भी कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड पर आपको सेव दिखाई दे रहा है और राइट साइड पर डिलीट का। तो यहाँ पर हमने सेव पर टैप किया और यहाँ पर आपको एडिट का सेक्शन दिया जाता है जहां पर आप अपने स्क्रीन रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहां पर अभी एडिट नहीं करना है, हम यहां पर अब निकल गए, अब यहां पर हम निकलेंगे एप्लीकेशन से और यहां पर बात करेंगे कि यहां पर हमारा गैलरी पर ये आया है या नहीं, और आया है तो किस क्वालिटी पर आया है, कैसा दिख रहा है वीडियो। तो बेसिकली यहां पर हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन जो यहां पर गैलरी एप्लीकेशन है उस पर, और यहां पर हम अपने वीडियो को टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहां पर रोटेट करते हैं और जैसे कि इसका क्वालिटी देख सकते हैं यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर इसने रिकॉर्ड करा है। मुझे ज़्यादा कुछ इशू देखने को नहीं मिला है इस एप्लीकेशन पर, आप यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप टैप करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर जाके इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें इस साल से पहले 10K का सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट करना है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड कमेंट तो ज़रूर करना जो अगला टॉपिक आप चाहते हैं। तो यार आज का वीडियो यही देगी, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।